हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डाटा बताऊंगी। टॉपिक डाटा। डाटा इज यूज इन बायोस्टैटिक्स। अब देखिए, हम बायोस्टैटिक्स में डाटा का क्या काम। अगर बायोस्टैटिक्स में जो भी हम कलेक्शन को कलेक्ट करके रखेंगे, हम उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डाटा क्या है? तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फिगर्स। यानी डाटा वो है जो हम उस कलेक्शन को, उस ऑब्जर्वेशन को न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस करेंगे। तो अब कैसे बोले हम इसको, कैसे समझाएं इसको? हम ऐसे समझाएं कि हम जैसे किसी भी, हमने किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वर लिया, यानी ऑब्जर्वेशन लिया, और उसको हम न्यूमेरिकल फिगर में यानी नंबर के फॉर्म में उसको कलेक्ट करके हमने रख लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाटा कहेंगे। डाटा की दो वेज हैं, बाय द कंप्लीट ऑफ इन्यूमरेशन एंड सिंपल सर्वाइव मेथड। डाटा इज ऑलवेज टू कलेक्टिव सेंस एंड नंबर वी यूज अ सिंगुलर। ओके, टाइप्स ऑफ डाटा दो टाइप्स के होते हैं। इसकी ब्रॉड कैटेगरीज दो ही हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, क्वालिटेटिव डाटा वो होते हैं जिसमें, इन दिस टाइप ऑफ डाटा देयर नो न्यूमेरिकल रिलेशन वन अनदर। ओके, यानी क्वालिटी ऑफ डाटा में वो होते हैं जहाँ पे नंबर यूज़ नहीं किए जाते, यानी ये क्वालिटी, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। जैसे स्किन कलर है उसकी, अब स्किन है तो स्किन किस कलर की है, किस क्वालिटी की है, ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, जस्ट लाइक दैट। फॉर एग्जांपल एक और है आईज कलर। अब सामने वाले की जो आँखें हैं उसकी, आँखों की क्वालिटी यानी उसकी कलर क्या है, तो ब्लू, ब्राउन, रेड, जस्ट लाइक। ओके, अब आता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को हम नंबर के फॉर्म में रखते हैं। अब किसी चीज़ को भी हम अभी पहले आप ये देखिए कि इन दिस टाइप ऑफ डाटा देयर न्यूमेरिकल रिलेशन विथ वन अनदर, इट मे बी कंटिन्यूस और डिस्कर्ट। क्वांटिटेटिव डाटा में दो फॉर्म होते हैं, डिस्कर्ट और कंटिन्यूस। यानी नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आएगा डिस्कर्ट में, और कंटिन्यूस में आएगा हाइट और वेट ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक, अब इसमें डिफरेंस भी दिया है क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा में। क्वालिटेटिव डाटा ऑलवेज डिस्कर्ट एंड क्वांटिटेटिव ऑलवेज कंटिन्यूस। यानी डिस्कर्ट और कंटिन्यूस दोनों होते हैं। नो मैग्नीट्यूड हैव अ मैग्नीट्यूड। पर्सन विद सेम कैरेक्टर काउंट बी फ्रॉम ग्रुप्स। एंड जो पर्सन होगा वो सेम ही कैरेक्टर का होगा, बट उसका ग्रुप काउंट होगा। इसमें अरेंज बाय बोथ कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी, उसमें कैरेक्टर भी अरेंज होंगे और फ्रिक्वेंस भी। रिजल्ट एज एक्सप्रेस रेशियो प्रोपोर्शन। ओके, इस मैंने ये टेबल बनी हुई है डिफरेंस की। अब आता है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। हम सोर्स के अकॉर्डिंग कैसे डाटा कलेक्शन है, इसके दो है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ओके, एक्सपेरिमेंट के द्वारा डायरेक्टली हम प्राइमरी डाटा में आएगा, और सेकेंडरी डाटा में आएगा जो प्राइमरी डाटा रिव्यू करेंगे उसको सेकेंडरी डाटा में रखेंगे। अब आता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अनवेरिएबल, बाय वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेशन, रो डाटा, ड्राइव डाटा। अब आता है प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा को ये एक्सप्लेन किया गया, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी है, क्वेश्चनरी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो है कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो। एंड एनी हैव डाउट यू आस्क मी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। यू वाचिंग माय वीडियो, यू हैव एनी आइडिया, आई वाज मेड अ न्यू वीडियो, यू गेम इट। अगर आपको किसी भी बेस पे, किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको बनाकर बताऊँ, कोशिश करूँगी बनाने की।